इसके नीचे भी दो अंडे हैं माशाल्लाह। और एक फिर ये है दोस्तों, इसके नीचे भी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोस्तों देखिए, हमारी मुर्गियाँ भी मेरे पास आ गई है दोस्तों। और ये ब्लैक मुर्गी है दोस्तों, इसका शौक़ करें माशाल्लाह। अब ये दोस्तों ये अंडों पर आ रही है, मुर्गे के साथ ये घूम रही है दोस्तों। और माशाल्लाह इसका पट्टा चेक करें, बेहतरीन किस्म का पट्टा है दोस्तों। और इसका कलर भी माशाल्लाह चेक करें, कितना खूबसूरत कलर है दोस्तों। और मुर्गा अभी क्रीज में है दोस्तों, अभी इसकी नए पर आ रहे हैं। चेक करें दोस्तों, इसका शौक करें माशाल्लाह, करीब से चेक करें। आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि मेरा ये मुर्गा आप लोगों को कैसा लगा, और ब्लैक मुर्गी भी दोस्तों। और इसकी पट्टी जो दोस्तों ये भी है, ये जब छोटी थी दोस्तों ये बीमार हो गई थी, तो मैंने इसका काफ़ी इलाज किया, माशाल्लाह बेहतर है। देखिए इसका भी शौक करें। तो दोस्तों आइए अपने कबूतरों के पास चलते हैं, और आप लोगों को आज अपने कबूतरों का ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाएंगे, और साथ ही में कबूतरों का शौक़ भी आप लोगों को करवाते हैं। आइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोबरा नर जो है, बड़ा नर माशाल्लाह बाहर निकला हुआ है, तो शौक करें। तो आइए दोस्तों, टाइम ज़ाया किया हुए अंदर चलते हैं, और आप लोगों को ब्रीडिंग प्रोग्रेस इस मौसम में दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों ये आखिरी ब्रीडिंग होगी दोस्तों, इसके बाद मैं कबूतरों का ब्रीड नहीं लूँगा दोस्तों। रीज़न ये है दोस्तों कि मैं ज़्यादातर मसरूफ़ रहता हूँ, और फिर इसका ख्याल रखने वाला कोई होता ही नहीं, तो ज़्यादातर बच्चे अक्सर मर जाते हैं, कोई बीमार होता है, कोई कमज़ोर रह जाता है दोस्तों। तो मैंने सोचा ये ब्रीड इसके बाद मैं कबूतरों को ब्रीड नहीं लूँगा दोस्तों कबूतरों का। तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, कबूतरों का शौक़ करें माशाल्लाह, और कबूतरों का शौक़ करें। और देखिए दोस्तों ये देखिए, मेरा ईगल ब्रीड का नया फियर लगा है दोस्तों। ये कबूतर जो है मैंने मंगवाया है दोस्तों, और माशाल्लाह इसका फियर जो है उस पट्टी के साथ लगा हुआ है दोस्तों। बाकी कबूतर भी माशाल्लाह चेक करें। तो यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये वाला चेक करते हैं दोस्तों। और माशाल्लाह ये वैशी नर है दोस्तों, सियालकोटी वैशी नर, ये पेयर मैंने मंगवाया है दोस्तों। और माशाल्लाह आते ही तकरीबन एक हफ्ते बाद इसने अंडे दिए माशाल्लाह से। तो दुआ करें दोस्तों कि इसके बच्चे निकल आए, और हम चेक करें कि कैसे इसके बच्चे आते हैं। तो ये वाला दोस्तों नर, इसके नीचे अंडे हैं, दो अंडे निकालते हैं आप लोगों को। ये अंडे हैं, कबूतर चला गया, और बाकी खाली है दोस्तों। और आते हैं दोस्तों यहीं पर, ये वैसी दोस्तों मादी है, खरगोश आंख में लक्का पेयर भी यहीं पर बैठा है। तो देखा ईगल बच्चा भी यहीं पर मौजूद है दोस्तों। यहाँ पर ख़राब अंडा है दोस्तों, यहाँ पर एक बच्चा है माशाल्लाह दोस्तों। इस बच्चे से कबूतरों ने इसके पर नोच लिए है दोस्तों, अभी इसके नए पर आ रहे हैं देखिए। और दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को, यहाँ पर दोस्तों देखिए माशाल्लाह दो बच्चे यहाँ पर हैं। ये लग के पेयर के नीचे मैंने दो अंडे रखे थे ईगल ब्रीड का, ये उन्हीं का बच्चे है दोस्तों। माशाल्लाह इसके सेहत काफ़ी अच्छा है, और
नीली मादी दोस्तों बैठी है अंडों पर। देखिए दोस्तों इसके नीचे भी अंडे हैं और एक पेयर ये है दोस्तों दीवाना, इसके नीचे भी बच्चा है दोस्तों। इसके नीचे दोस्तों मैंने कोबरा पेयर का अंडा रखा था दोस्तों और माशाल्लाह उससे काफ़ी बच्चा निकला है और काफ़ी अच्छा सेहतमंद है दोस्तों। चेक करें और एक पेयर यहीं पर है दोस्तों और एक अंडा यहीं पर है, ख़राब है शायद। एक पेयर यहीं पर है दोस्तों, इसने भी अंडे दिए हैं, इसके नीचे भी दो अंडे हैं और एक पेयर ये है दोस्तों, इसके नीचे भी दो अंडे मौजूद है। और एक पेयर ये है दोस्तों, इसके नीचे भी दो अंडे हैं माशाल्लाह। और एक पेयर ये है दोस्तों, इसके नीचे भी दो अंडे मौजूद हैं और एक पेयर ये है दोस्तों, इसके नीचे भी दो अंडे मौजूद हैं। बाकी सब यही है दोस्तों, कुछ ख़ास ब्रीडिंग नहीं है दोस्तों, लेकिन जितना है अच्छा है दोस्तों। और बाकी कबूतर देखिए, आजकल कबूतर क्रीज़ में है दोस्तों, तो इसलिए ज़्यादा ब्रीड नहीं करते, लेकिन फिर भी ज़्यादा ब्रीड कर रहे हैं दोस्तों मेरी निस्बत, क्योंकि ज़्यादातर अंडे मैं इनसे उठा रहा हूँ दोस्तों ताकि ये ब्रीड नहीं करे। दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर अंडे मौजूद हैं दोस्तों, मैं इनसे अंडे उठा रहा हूँ। और इसके बाद ये कुछ बच्चे बाहर आ जाए दोस्तों, फिर मैं इनसे ब्रीड नहीं लूँगा। और इसके नीचे जो है मैं ख़राब अंडे रखूँगा ताकि उसी पर बैठे और अंडे नहीं दे, तो इससे मैं ये उठाऊँगा इंशाल्लाह। देखिए दोस्तों बाकी कबूतर यहीं पर है दोस्तों, शौक करें, कुछ कबूतर बाहर चले गए। लक्का पियर दाना उठा रहा है, वैशी मादी दोस्तों बाहर निकल गई, ये दरमियान में जो है माशाल्लाह इसका स्टैंडिंग भी चेक करें। और ये तीन बच्चे भी बाहर निकल गए हैं दोस्तों माशाल्लाह, चेक करें। शौक करें दोस्तों कबूतरों का। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।